नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। तो मैं हूं आपके साथ प्रिया श्रीवास्तव। वक्त हो गया टॉप 10 खबरों की ओर रुख करने का। शुरू करते हैं टॉप 10 खबरों का सिलसिला। राहुल गांधी के समर्थन में उतरे संजय राउत, बोले गरीबों की आवाज उठानी है तो गाली खानी पड़ेगी। फर्जी आयुष्मान कार्ड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने 19 ठिकानों पर मारे छापे। इस्माइल हानिया के खात्मे के बाद राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की बैठक ले रहे ईरान के सुप्रीम लीडर। कोचिंग इंस्टीट्यूट को रेगुलेट करने के लिए कानून लाएगी दिल्ली सरकार, छात्रों से भी लेगी सुझाव। 1983 बैच की आईएएस अधिकारी प्रीति सूदन बनी यूपीएससी की नई अध्यक्ष। अनंतनाग में कश्मीरी पंडितों का पुश्तैनी घर आग से खाक, जानबूझकर लगाए जाने का आरोप। राज्यपाल बोली, विरोध जताने के लिए फसलों को फेंके नहीं, किसान बल्कि आंगनबाड़ी केंद्रों को दे। कांग्रेस विधायक साहब सिंह गुर्जर के खिलाफ एफआईआर दर्ज, मदद मांगने आई महिलाओं को भी वापस भेजा। बहराइच में साइकिल से स्कूल जा रहे छात्र को बस ने कुचला। आज से 3 दिन बारिश के आसार, उमस से मिलेगी लोगों को राहत। टॉप 10 खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।